गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं हनोल में। आप देख सकते हैं हनोल महासुदेवता का ये मंदिर, और काफ़ी सुंदर और प्राचीन काल मंदिर है ये। बहुत ही सुंदर ये जगह भी है। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं मोरी से 2 किलोमीटर पहले, और ये गाइस बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का पुल। थोड़ा इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ गाइस आपको। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अभी नेटवाड़ में, और अभी यहाँ पे हम खा रहे हैं मैगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और हमारे कैमरा वगैरह थे वो सारे डेड हो गई थी बैटरी देन, तो अभी हम चार्जिंग में भी लगा रखे हैं। तो यहाँ से गाइस 10 किलोमीटर दूर है दौला, देन उसके बाद पूरा 8 या 9 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ेगा सेवा के लिए। मिलते हैं। गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं यार नेटवार्ड से, और अभी जो राइड रहेगा वो 10 किलोमीटर का रहेगा हमारा। तो बुलेट हमारी खड़ी है सामने, तो स्टार्ट ही है। देन इसके बाद सीधे आपको मिलेंगे जहाँ से हमको ट्रैक करना होगा। हम पहुंच चुके हैं धौला में, और हमने अब गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर दिया है गाइस। और अभी शाम के बज चुके हैं 5, तो इसके बाद हमारा पैदल यहां से ट्रैक होगा जो कि तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर का है। तो अब हमको जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा गाइस। यहां देखिए ये भाई यहां पे खड़े हैं। भाई ध्यान देना बाइक का यार, है ना, कोई तोड़े ना। तो गाइस बुलेट हमने यहाँ पर लगा दी है, और गाइस को मिलते हैं रास्ते में। गाइस, तो हमारे साथ है गौरव जो कि इस ट्रैक में हमारा साथ देंगे, और ये रास्ता हमारा शुरू हो चुका है यहाँ से सफ़र। शाम के 5 बज चुके हैं गाइस, सर्दियों का मौसम है तो ठंडा बहुत हो चुका है, और रात भी पहाड़ों में जल्दी हो जाती है सर्दियों में। ये हमारे सफ़र का पहला पुल, और ये जो नदी आ रही है गाइस, ये है रुपिन रिवर जो कि आती है हिमाचल से, डोडा क्वार से। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। तो गाइस, इसके बाद हम कम से कम 1.5 या 2 घंटे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है बट लंबा ट्रैक है, कम से कम 8 या 9 किलोमीटर हमको 2 या 2.5 घंटे में कवर करना है। बिकॉज ज़्यादा रात हो जाएगी तो हमको बीच में कोई स्टे करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि गांव में कोई वैसे होटल्स वगैरह भी होते नहीं है गाइस। ये देखिए रास्ते,
कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। अभी हमें अपना हेलमेट भी कहीं पे रखना होगा, बिकॉज हेलमेट को साथ कैरी लेके करके जाना गाइस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शॉप है, इसे हम शॉप में ही रखेंगे, बिकॉज क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है तो और दिक्कत हो जाती है जितना ज़्यादा सामान होगा। ये है गाइस धौला, धौला में तो हेलमेट यहीं पे। ये क्या ये है? कैमरा। मैं सोचा मैं क्षेत्र के वीडियो बनाता हूँ ऐसे। गाइस तो ट्रैक शुरू हो चुका है और अभी हमको 15 मिनट ही हुए हैं चल के पैदल। सामने अगर आप देख सकते हैं तो जहाँ पे धूप है तो उन्हीं पहाड़ियों पे है गांव सेवा जहाँ हमको पहुँचना है। पहाड़ी में तो वैसे बर्फ दिख रही है लेकिन गांव घाटी में है, थोड़ा नीचे। सफ़र थोड़ा लंबा है बट कट ही जाएगा गाइस। पहाड़ी रास्तों पे चलने में जो मज़ा है ना यार, वो फील और कहीं नहीं आ सकता, बिकॉज ठंडी ठंडी हवा और साथ में ये नाक बह भी दी है। खैर नाक भी बहती है यहाँ पे, बिकॉज ठंडा इतना है गाइस कि कुछ पूछो मत। अभी 4 या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यार जल्द से जल्द पहुँचे। गाइस तो पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके हैं और चढ़ाई भी शुरू हो गई है। गाइस तो सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है, पहाड़ियों पे बर्फ है और उसमें सूरज की रोशनी पड़ती हुई जिसके कारण वो लाल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य। अभी अभी ये नया मोटर मार्ग यहाँ पे बन रहा है बट बीच में पुल नहीं होने के कारण गाइस हम यहाँ अपनी बाइक नहीं ला सकते, तो हमको ये सफ़र पैदल ही पूरा करना पड़ता है। और सचमुच ये टास्क है कि भैया 2 घंटे में आपको 9-10 किलोमीटर पैदल, वो भी चढ़ाई और पहाड़ी रास्ते में कवर करना है। गाइस तो धीरे धीरे अब अंधेरा भी होता जा रहा है और हम भी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। अभी 1/2 घंटा ही हुआ है पैदल चल के, शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो बकरियों की एक टोल हमें यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से देख सकते हैं। ये फंस चुकी है मैम ना यहाँ पे, पानी में भी नहीं जाना चाहती, तो गैस तो फाइनली पीने के लिए यार पानी हमको मिल चुका है, थोड़ा सा बैठेंगे। यहाँ पे देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे होता है नलकी, और आप सोच रहे होंगे ठंडा पानी होगा लेकिन बहुत ही गुनगुना पानी है ये। तो गाइज यार पूरा 1 घंटा हो चुका है पैदल चल के,
और ये देखिए बिल्कुल रात हो चुकी है और हम निकल रहे हैं फ़ोन की लाइट से ही, और सामने बर्फ़ की चोटियां अगर दिख सकती है आपको तो उसके बाद वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सामने छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं, हल्की फुल्की लाइट है। अभी हमको कम से कम एक या डेढ़ घंटा और लगेगा सेवा पहुंचने में। सेवा जो कि उत्तराखंड का लास्ट गांव है उत्तरकाशी में, मिलते हैं आपको सेवा से। आप From up here